मैंने चाबी निकाला तो मैं बोली कि मतलब देख लो ये मेरा ही गांव है, फिर मुझे धक्का देकर और घास में मुझे ढकेल दिया। क्या हो गई तो इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। दो बंदूक निकाला, एक बंदूक मेरे भाई के सिर पे लगाया और एक मम्मी के, फिर हम लोग मतलब कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। SN Live, सच सबसे आगे। सिवान के गुठनी में युवक की हत्या के बाद हंगामा, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के बरपलिया गांव में अपराधियों द्वारा युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव और हंगामे का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब चंदन नाम का युवक अपनी माँ और बहन के साथ गुठनी बाजार से लौटकर घर जा रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने उसे रोका और सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कल रात में 8:30 बजे के करीब में कैमरा यहाँ पे घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे का नाबालिग ही है, 15 साल के हैं, चंदन कुमार, उनकी हत्या हो गई गोली मारकर। तो इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। कल रात में मैं भी आया था यहाँ पे, पीओपी आकर सब देख कर गया हूँ, और आगे अभी बच्चे का जो शव है पोस्टमार्टम के बाद आया हुआ है, आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ग्रामीण से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। थाना प्रभारी बोल रहे हैं इससे कल एक्सीडेंटल बनाने के प्रयास में लगे थे, इससे यहाँ के जनता बोल रही है, विधायक भी बोल रहे हैं। अब इस मामले का अगर यहाँ पे आने के बाद मुझे भी ये बात सुनने में आई है तो हम इसका जांच पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, अगर ऐसी बात बोली गई है या ऐसे कोई एक्शन लिया गया है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन में 4 अपराधी घटनाएं हो गई है। एक हफ्ता पहले ही इसी रोड में, इसी रोड के 10 कदम दूरी पे सर, जो भी आप बता रहे हैं घटना के बारे में वो हमको भी अभी बातचीत में पता चला ये चीज़, तो एक बाइक छीनने की भी बात बताई गई, उसकी FIR भी दर्ज की गई है। बाकी हम लोग CCTV कैमरे के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इस संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे या जो संलिप्त पाए जाएंगे आवश्यक कार्रवाई की। अच्छा, यहाँ की जनता बोल रही है कि थाना प्रभारी साहब पुलिस को लेकर शराब के पीछे दौड़ते रहते हैं, ऐसे मामलों को निपटारा नहीं कर पाते हैं, मामले में खुद जज बन जाते हैं थाने पर। देखिए, पुलिस शराब के मामले में भी गिरफ्तारी करती है जैसा पब्लिक भी बता रही है, और इसके अलावा इन सब मामले में अगर मतलब बहुत उसको अच्छे तरीके से नहीं डील किया होता है, पेट्रोलिंग अगर मतलब बता रहे हैं जैसा वो कि यहाँ पेट्रोलिंग अगर हुई होती तो ऐसी घटना नहीं होती, तो उसको हम देख रहे हैं, जो भी पदाधिकारी संलिप्त होंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखी जाएगी। धन्यवाद। युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने गुठनी दरोली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। बवाल को देखते हुए स्थानीय पुलिस और विधायक मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए, लेकिन लोगों का कहना है कि घटना के कई घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बिना ठोस कदम उठाए वापस चली गई। भाई हमारा गया था गुठनी मोड़ से लाने, मैं भाई और मम्मी तीनों लोग आ रहे थे गुठनी से। कहाँ आप लोग गए? हम लोग गए थे गोरखपुर टैंक्स में गए थे दवा के लिए। हाँ। उधर से हम लोग मैरवा ट्रेन से आए, फिर मैरवा से ऑटो से गुठनी आए, और गुठनी से भाई गया था हम लोग को रिसीव करने, फिर भाई गया तुरंत उधर से आ रहे थे तो बॉडी और सेलोर बारी के बीच में वो लोग हम लोग से मिला, लेकिन वो थोड़ा स्लो था, हम लोग भी स्लो थे, लेकिन उन लोग से हम लोग आगे निकल गए। फिर मेरे गांव जो पुल है बरपलिया में, पुल के पास आया तो एकदम पास में आकर बाइक का चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम चाबी नहीं निकल पाया, तो फिर जो सरकारी स्कूल है बरपलिया में ही पुल के आगे, वहां पर दो बाइक था, उसपे एक बाइक पर 3 लोग थे और एक पर 3 लोग थे, तो एक बाइक हम लोग के बाइक के आगे आकर रोक लिया और एक साइड में आया और भाई का चाबी निकाला, तो मैं बोली कि मतलब देख लो ये मेरा ही गांव है, फिर मुझे धक्का देकर और घास में मुझे ढकेल दिया और मेरा बैग मतलब थोड़ा दूर फेंक दिया और दो बंदूक निकाला, एक बंदूक मेरे भाई के सिर पे लगाया और एक मम्मी के, फिर हम लोग मतलब कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, मतलब कि हम लोग कुछ उससे बोल सके कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। फिर भाई अभी बाइक पे बैठा ही था तब तक उन्होंने पिस्तौल मतलब गोली चला दी, लेकिन गोली से थोड़ा भी आवाज नहीं निकला और मम्मी के जो सिर पे लगा था वो छोड़ दिए और तुरंत वहां से बरपलिया होते हुए
दरौली होते हुए चले गए। अच्छा, वो लोग बाइक छीनने आए थे, लुटेरे थे या मारने ही आए? वो मारने आए थे। अगर बाइक उनको छीनना था तो फोन छीनते, चाबी छीनते, बाइक छीनते, फिर वहाँ मतलब उनको जब छीनना था तो फिर गोली क्यों चलाएंगे? पहचानते हो? नहीं, कोई नहीं पहचान में आया। एक मुंह बांधा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, और एक बाइक पहचान में आया, वो पैशन प्रो बाइक थी। लेकिन और पांच लोग की पहचान, मतलब किसी की पहचान हुई नहीं। बाइक से थे? दो बाइक से छह लोग थे, एक पर तीन था और एक पर तीन। कितने बजे का घटना है? 8:30 से 9 के बीच की घटना है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और इलाके में अपराध पर नियंत्रण की मांग की है। उनका कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए SN लाइव न्यूज के साथ। किडनी, हार्ट, लीवर, मूत्र रोग, फेफड़ों से परेशान, तो आशीर्वाद हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर नीलम ओपी सोनी अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें डॉक्टर कॉलोनी विजय हाता सिवान। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।